नमस्कार, मी किरण, इंडिया टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात बदलती जीवनशैली आणि आर्थिक अस्थैर्यामुळे तरुणाई व्यसनाधीन होत आहे. आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या कुटुंबातील व्यसनाधीन व्यक्तीचे उपचार योग्य पद्धतीने होतात, परंतु समाजात दुर्बल घटकातील व्यसनाधीन व्यक्तींना योग्य प्रकारे उपचार मिळत नाही. त्यामुळे अशा घटकांकरिता मुंब्रामधील MS कॉलेजतर्फे व्यसनमुक्ती म्हणजेच ड्रग अवेअरनेस प्रोग्रॅमचे आयोजन करण्यात आले होते. मुंब्रामधील आशा की किरण फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यसनामुळे होणारे दुष्परिणाम व त्यावरील नाट्य यावेळी दाखवण्यात आले. मुंब्रामध्ये व मुंब्रा कौसा या प्रभागात व्यसन करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत चालले असून कॉलेजमधील समाजातील मुले व नागरिक वेगळ्या मार्गाला जाऊ नये यासाठी MS कॉलेजचे शोएब खान यांनी व्यसनमुक्ती मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन केले होते. यावेळी आशा की किरण फाउंडेशनच्या अध्यक्षा नूरजहाँ, DCP डॉक्टर स्वामी, ACP रमेश धुमाळ, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक किशोर पासलकर, रियाजुद्दीन शेख, MS कॉलेजचे मोहम्मद जाहीर, शोएब खान व मोहम्मद निसार शोएब खान यावेळी उपस्थित होते. MS कॉलेजमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमाला हजारोच्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. चाहते हैं कि हमारे हबीबे यूनिस्टर ट्रस्ट के जो इतनी बड़ी महान संस्था के संस्थापक ट्रस्टी प्रेसिडेंट माननीय हमारे शोएब सर की जानिब से मुंब्रा में एक प्रोग्राम जो नशा मुक्ति का जो पुलिस आयुक्त द्वारा 2 साल पहले चालू किया गया था और यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ACP और DCP साहब द्वारा जो ये अभियान को काफ़ी तौर से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, उसमें हमारे सर ने 2 कदम आगे चल के इन पूरे मुंब्रा के लोगों को जो बच्चे आजकल नशे में लत में लत पकड़ लिए हैं, नशे में काफ़ी वो लोग परेशान हो रहे हैं, अच्छे अच्छे परिवार बर्बाद हो रहा है, उन बर्बाद उन बच्चों को जागरूक करने के लिए, उन गार्जियन को जागरूक करने के लिए, उन बच्चों के लाइफ को सही करने के लिए इन्होंने नशा मुक्ति का और नशा के बारे में बताने का आज ये प्रोग्राम हमारा ऑर्गेनाइज किया है. और इसमें हमारा सहयोग DCP साहब भी आ रहे हैं, सीनियर साहब आ रहे हैं, ACP साहब आ रहे हैं. तो ये लोगों को भी हमारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के मुंब्रा में एक प्रोग्राम फैलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है. और उसमें हमारा कॉलेज के बच्चे जो उनको भी बताया जाएगा कि भाई नशा क्या चीज़ है, नशा से किस तरह लाइफ खराब होती है और इनका हमेशा वेलफेयर रहता है. मुंब्रा में मुंब्रा एक आप जानते हैं कि मुंब्रा की बस्तियों में इस मलिन बस्तियों में इस तरह के एजुकेशन चलाना सबके बस की बात नहीं है. उस इस हर तरह के दुख तकलीफ झेलते हुए भी इन्होंने इतना बड़ा संस्था को कायम किया और आज जो है ये प्रोग्राम करा के मुंब्रा के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि नहीं, हम सामाजिक कार्यों में पीछे नहीं है. हम चाहते हैं कि मुंब्रा के जितने लोग हैं कम से कम ये जाने कि उनके बच्चों को अगर लाइफ बचाना है तो नशा को हमेशा के लिए दूर करना. हम धन्यवाद देना चाहते हैं. अभी 2 साल पहले आपने देखा माननीय पुलिस आयुक्त ने जो हमारे ममता कुलकर्णी के रैकेट को पर्दाफाश किया था, जिसमें मुंब्रा का ही एक साथी अपराधी था और वो ओपन करके पुलिस का कभी इन्फॉर्मर हुआ करता था, कभी राइट में उसने टिप दिया कॉमिल लाल का और बाद में उसको पुलिस द्वारा पुलिस ने जब सच्चाई जानी पुलिस का वो इतना बड़ा साथी निकला उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है आज के डेट में. तो पुलिस इस चीज़ के लिए मैं उनको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि पुलिस के साथ रहने वाला भी अगर इस तरह का व्यापार करता है तो निष्पक्ष भावना से पुलिस ने उनके साथ काम किया है. और नशा के खिलाफ जो साहब द्वारा ये आयुक्त साहब द्वारा DCP साहब द्वारा और माने खासतौर से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा जो पुलिस द्वारा ये बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है उसमें हम उन लोगों का काम जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है. हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं अपने कॉलेज की तरफ से. और दूसरा आभार ये है कि हमारे साहब ने 10 कदम आगे बढ़ के प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा है कि जो भी कॉलेज के नशा के लिए जैसा भी इस अभियान में जिस तरह से यथासंभव हमारी मदद होगी हम उसको करेंगे.
दो कदम आगे बढ़ कर करेंगे। धन्यवाद सर। देखिए हमारे कॉलेज के जितने बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के हैं, लॉ के हैं और आईटी सेक्टर के हैं, जो बालिग बच्चे हैं 18 के अबव ऊपर, सारे बच्चों को हमने रोक कर रखा है। करीब 3-4 हज़ार बच्चे बैठे हुए हैं, गार्जियंस बच्चे हुए, उन बच्चों को जागरूक करने का हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें हमारा सहयोग पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा दिया जा रहा है। और पहले से ही इस तरह के कई प्रोग्राम में हमारे साहब का तन मन धन से हाथ साथ रहा है। यहाँ तो मुमरा है, लोग के अंदर परसेंटेज देखा जाए तो एजुकेशन की कमी है, पेमेंट और एजुकेशन अगर कमी है तो जाहिर सी बात, एजुकेशन नहीं है तो यहाँ शिक्षा नहीं है तो वहाँ समझिए कि आउट ऑफ प्लेस ही रहेगा। मुमरा एक माइनॉरिटी एरिया है, मुस्लिमों को बदनाम किया जाता है, हर तरह के आप जानते हैं ऊपर से नीचे तक हर तरह के माइनॉरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस माइनॉरिटी तब जागरूक होगी, हमारे बच्चे नशे से तब दूर होंगे जब शिक्षा से जुड़ेंगे, और शिक्षा से जुड़ने के साथ साथ जो नशे के अभियान में जो हमारे ही असामाजिक तत्व शामिल है उनके खिलाफ हम लोग खड़ा होकर, ये जो मुहिम पुलिस द्वारा चलाई जा रही है उसका हम पुरजोर तौर से खड़ा होकर हमारे प्रेसिडेंट साहब विरोध में खड़े हैं और तन मन धन से उसके साथ समर्थक जो भी उनके लिए होगा, ये नशा के विरुद्ध जो भी अभियान होगा उसमें तन मन धन से हम लोग, हमारा संस्था और हमारे साथ और हमारा प्रेसिडेंट उनके साथ में रहेंगे। हाँ, मैं मोहम्मद निसार शुएब खान, सेक्रेटरी हबीब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, कौसा मुमरा। सर, आज आपके कॉलेज में एक नशा मुक्ति के बारे में कार्यक्रम रखा गया, वो क्या कार्यक्रम? हाँ, ये कार्यक्रम रखा गया है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, मुमरा कौसा के आवाम है जो हमारी, उनके लिए। और ये नशा मुक्ति अभियान है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है मुमरा कौसा के लिए, ताकि बच्चे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, नशे में लिप्त हो रहे हैं, तो उनके लिए जागरूक प्रोग्राम है ताकि दूर रहे इस चीज़ से और बाकी लोगों को भी मना करे, मतलब नशा बुरी चीज़ है, इससे अपनी लाइफ स्पॉइल होती है और आगे भी कैरियर वगैरह बन नहीं पाता इसमें, और घर वाले भी इसमें परेशान होते हैं मुमरा कौसा के, सभी मतलब परिवार पर भी असर होता है इसका, फैमिली पर भी डिस्टर्ब होता है सब चीज़ का, तो इससे दूर रहे और बाकी लोगों को भी जागरूक करें और इस चीज़ से मतलब मुक्ति के लिए भी हम अभियान चला रहे हैं और काउंसलिंग भी होगी इसमें, अवेयरनेस प्रोग्राम है और धीरे धीरे ये सब चीज़ मतलब मुमरा कौसा से दूर करना है हमें, और ये अकेले नहीं होगा, हम सबको मिलकर करना है। मोहम्मद जहीर शोएब खान है, हबीब एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ पर जो नशा मुक्ति का प्रोग्राम रखा गया हमारे कॉलेज में, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया है, इनसे काफ़ी लोगों को फायदा होगा और बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं उसमें काफ़ी लोग परेशान होते हैं, उनके परिवार के लोग परेशान, अड़ोस पड़ोस के लोग परेशान होते हैं, इनका कोई समय नहीं रहता बच्चों का घर वापसी का, माँ बाप जागते रहते हैं उसमें, तो इस प्रोग्राम में मेरा पूरा सहयोग रहेगा और जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोग्राम की दोबारा रखने की यहाँ पर, तो मैं इसके लिए देखिए एमएस कॉलेज में जो प्रोग्राम हुआ मुमरा पुलिस ने इसको लेके कॉलेज से कोऑपरेशन में जो प्रोग्राम लिया है, ये ड्रग अवेयरनेस के बारे में भी प्रोग्राम है, बट ड्रग अवेयरनेस के बारे में और एक बात इसमें हमने जोड़ दिया, तो बेसिकली ड्रग अवेयरनेस एक बात है और पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप भी अच्छा रहना चाहिए, पुलिस का जो व्यूज़ है पब्लिक के प्रति क्या व्यूज़ है ये भी बच्चों को समझना चाहिए, और बच्चे जो है वो समाज का भविष्य है, और बच्चे जो है अपने माँ बाप को भी वो जाके बता सकते हैं, आजू बाजू में सोसाइटी में जाके बता सकते हैं, इसलिए बच्चों को जो है वो बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, उनको इसके बारे में नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये जो एज रहता है ये एज बहुत सारी बातों के लिए क्यूरियस रहता है, तो ऐसे क्यूरियस एज में बच्चे बहुत सारे अच्छे कामों में भी और बुरे कामों में भी उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं, तो अच्छे काम क्या है, बुरे काम क्या है, बुरे कामों से उनको क्या मतलब उनका धोखा क्या है, उसमें डिसएडवांटेजेस क्या है और अच्छे काम में क्या कामों के एडवांटेजेस क्या है, ये बताना जो अनुभवी लोग हैं या फिर जो अथॉरिटीज है, जो फिर ये ड्रग के लिए बारे में जो हमको ड्रग्स को दूर करना है तो उसके बारे में ये बच्चों को बोलना बहुत अनिवार्य है, और ऐसे बात बच्चों के सामने रखने के बाद बच्चे भी उतने ही क्यूरियस होते हैं इसको सुनने के लिए और उसमें एक्ट करने के लिए कि हमको ये नहीं करना है। अगर जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन पर हो, कभी लगता है उनको कि हमको ये करके देखना भी है, कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं करना है, बट ये बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे होते हैं ऐसे प्रोग्राम लेने से वो बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे रहेंगे वो बच्चे अच्छे कामों में डाइवर्ट हो जाएंगे, और अच्छे कामों में जब डाइवर्ट हो जाएंगे तो समाज के लिए, उनके खुद के लिए, उसके फैमिली के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो उनका काम है, वो अच्छे काम वो कर सकते हैं और जो है वो डेफिनेटली देश के लिए भी अच्छा काम करेंगे। आज के कॉलेज में जो एक्ट हुआ उस एक्ट के बारे में आपका क्या कहेंगे? बेसिकली देखिए एक्ट जो है वो जिन लोगों ने इसमें जो लोग इन्वॉल्व हुए थे उन लोगों ने
आफ्टर रिफॉर्मेशंस जो है वो ड्रग एडिक्शन को दूर करने के बाद वो जो मतलब सोसाइटी में और आ गए हैं, खड़े हो गए, उनका ही एक्ट था। तो बेसिकली उन्होंने जो मतलब जिया है वो उन्होंने वहाँ पे स्टेज पे एक्सप्रेस किया है। यही मैं बात बोलूँगा कि खुद ने वो जो मतलब उसकी वेदना बोलो, उसका कब उनको आनंद बोलो, जो भी मिला पहले और उसके बाद उनको जो तकलीफें सामने पेश मतलब उनको सहना पड़ा वो भी उन्होंने वहाँ पे स्टेज पे बताया। तो एक लाइव परफॉर्मेंस था और बच्चों के लिए वो बहुत मतलब मार्गदर्शन करने वाला था। उमेश सिंह, अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में मैं काम करता हूँ, टीवी सीरियल में, और मैं फिल्मों में विलन का रोल करता हूँ। आज एमएस कॉलेज में जो ये नशा मुक्ति का एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट और यहाँ के लोगों ने जो सहयोग दिया और जनता को प्रोत्साहित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं एमएस कॉलेज के सोहेब साहब और शेख साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे प्रोग्राम में बुलाए। मैं अपनी जनता से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कभी आप लोग नशा मत कीजिए, क्योंकि नशा अच्छे अच्छे परिवारों को खराब कर देता है, नाश कर देता है। धन्यवाद। मैं मोहम्मद शोएब खान, हबीब एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट, यहाँ एम एस कॉलेज ऑफ आर्ट कॉमर्स साइंस एंड एम एस कॉलेज ऑफ लॉ चल रहा है। अपने देश में ये नशे की लत जो ज़्यादा लग गई है और कुछ अपने ही देशवासी ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको कम करने के लिए, उसको उससे नशे से छुटकारा लेने के लिए पुलिस ने जो मुहिम चलाई है उसमें मदद करने के लिए हम यहाँ सबको बुला के आज उसी के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं। थाना के DCP साहब, ACP साहब और सीनियर मुमरा पुलिस स्टेशन के सब शामिल हो गए और बाकी जितने सोशल वर्कर यहाँ हैं सबको उठाया है। और एक जो NGO है, क्या नाम, आशा किरण नाम की NGO है, उनको बुलाया है। तो किस तरह से नशा मुक्ति होती है वो अपना प्रोग्राम दिखा के सभी पब्लिक को, बच्चों को, सबको जागृत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया TV न्यूज़।